नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र ने बढ़ाई बिहार के कर्ज लेने की क्षमता। रातों रात दो स्कूली छात्रों के खाते में आए करोड़ों रुपए। दक्षिण मध्य बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर किया गया अलर्ट। बाढ़ ने पटना के 5,000 से अधिक लोगों को किया बेघर। आरजेडी ऑफिस दिखेगा नए लुक में। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र ने बढ़ाई बिहार के कर्ज लेने की क्षमता। बिहार के विकास से जुड़ी सकारात्मक खबर है। अपना राज्य अब ज्यादा राशि पाकर इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य विकास के कार्यों में आगे बढ़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार को मिलने वाली कर्ज की क्षमता को बढ़ा दिया है। इससे अब बिहार सरकार पहले से ज्यादा लोन ले सकेगी। इसके तहत बिहार के कर्ज लेने की क्षमता को 1699 करोड़ बढ़ा दिया गया है। 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय के लक्ष्य का 15% खर्च होने के कारण केंद्र ने यह वृद्धि की है। बिहार के वैभव ने जेईई मेंस में देश भर में पाया दूसरा स्थान। देश भर के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के परिणामों में बिहार के होनहार बच्चों का दबदबा कायम रहा है। इनमें से सीतामढ़ी जिले के राजापट्टी निवासी वैभव विशाल ने राज्य का नाम रोशन किया है और देश भर में सेकंड टॉपर बने हैं। उन्होंने 100% यानी कि कुल 300 में से 300 नंबर हासिल किया। यह उपलब्धि उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में पाई है। वैभव आगे कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में IIT बॉम्बे में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल इस प्रवेश परीक्षा में उन्होंने 1700 रैंक हासिल किया था, जिसके बाद कड़ी मेहनत करके एक साल के बाद वे देश भर में दूसरा स्थान पाने में सफल रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार के कुमार सत्यदर्शी ने भी 100% नंबर हासिल किए हैं, जबकि ऋचा कुमारी ने 99.884% नंबर के साथ महिला वर्ग में टॉप किया है। रातों रात दो स्कूली छात्रों के खाते में आए करोड़ों रुपए। कटिहार जिले में अचानक से दो छात्रों के खाते में 960 करोड़ रुपए आ गए। छात्रों के खाते में पैसे आने की खबर जैसे ही गांव में फैली, वैसे ही सभी छात्रों ने अपने अपने खातों को चेक करने लगे। बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम आजम नगर थाना क्षेत्र का है। यहां बघौरा पंचायत स्थित बस्तिया गांव में दो स्कूली बच्चों के बैंक खाते में 960 करोड़ रुपए आ गए। दरअसल उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक में खाताधारक कक्षा 6 में पढ़ने वाले आशीष के खाते में 6,20,11,100 रुपए और गुरुचरण विश्वास के खाते में 90,52,21,223 रुपए अचानक से आ गए। इस पूरी घटना को लेकर शाखा प्रबंधक मनोज गुप्ता ने कहा है कि दोनों बच्चों के खाते में भुगतान पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ इस मामले की भी जांच की जा रही है। दक्षिण मध्य बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर किया गया अलर्ट। बिहार के दक्षिण मध्य हिस्से में बसे कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक आज भारी बारिश होने के साथ ही अगले 3 दिनों में राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और उत्तर प्रदेश में कम दबाव का केंद्र बनने के कारण मानसून कुछ हद तक बिहार में सक्रिय हुआ है। कम दबाव का केंद्र बने रहने के कारण पुरवैया का भी प्रभाव बढ़ा है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर रहेगी, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। वहीं तेज पुरवैया के चलने के कारण दिन और रात के तापमान में भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। किशनगंज में SSB जवानों को मिली बड़ी सफलता। बिहार से सटे नेपाल बॉर्डर के पास किशनगंज में SSB 41वीं बटालियन को बीते दिन बड़ी सफलता हाथ लगी है। SSB ने इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से एक चीनी नागरिक और एक भारतीय एजेंट को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय एजेंट उस चीनी नागरिक को नेपाल में अवैध प्रवेश करवा रहा था और दोनों ही चोरी छुपे नेपाल की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। गिरफ्तार चीनी नागरिक 45 वर्षीय चोजोर वुसर ने खुद को अमेरिका का रहने वाला बताया है। तो वहीं भारतीय नागरिक से पूछताछ करने पर उसने अपनी उम्र 56 वर्ष बताई है और नाम पेमा भूटिया बताया है। भारतीय नागरिक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का रहने वाला है। फिलहाल SSB ने दोनों को खोरीबाड़ी थाने के हवाले कर दिया है। राज्य के 6 जिलों से 7 नए कोरोना मामले आए सामने। बिहार में अब गिने चुने कोरोना मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 7 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत रोहतास से 2 मरीज मिले, जबकि बेगूसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा और सारण से 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। इस दौरान 15 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 65 हो गई है। वहीं अब सूबे में कुल स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा 7,16,128 के पास पहुंच गया है एवं रिकवरी दर 98.66% पर पहुंच गया है।
पटना IGIMS के हजारों कर्मियों ने किया हड़ताल। बीमारी के सीजन में पटना के बड़े अस्पतालों में से एक IGIMS के नर्स कर्मी आज सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल इन कर्मियों ने बकाया वेतन नहीं देने को लेकर हड़ताल किया है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की मनमानी के कारण उन्हें सितंबर माह में आधा महीने बीतने के बाद भी अगस्त की सैलरी भी नहीं दी गई है, जिस कारण से वे हड़ताल कर रहे हैं। वही संस्थान की तरफ से इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया जा रहा है। अस्पताल के करीब 1500 से ज्यादा कर्मचारियों ने हड़ताल करने को लेकर पहले ही एक पत्र निदेशक को सौंपा था और कहा था कि वेतन मिलने तक वे अपना अनशन जारी रखेंगे। छापेमारी अभियान की जद में आए IPS अफसर राकेश दुबे। बिहार में बालू खनन में संलिप्त अधिकारियों पर नकेल कसना जारी है। इस क्रम में कई अधिकारियों को निलंबित करके उनकी संपत्ति की जाँच की जा रही है, जिसकी जद में अब भोजपुर के पूर्व SP राकेश दुबे आए हैं। भोजपुर में अवैध बालू खनन में संलिप्त होने के मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद आज उनके पटना के दो आवास समेत चार स्थानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापा मारा है। वहीं झारखंड के देवघर के जसीडीह स्थित उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। बताते चले कि बिहार सरकार ऐसे संलिप्त अधिकारियों पर काफी सख्त है और कार्रवाई कर रही है। बाढ़ ने पटना के 5000 से अधिक लोगों को किया बेघर। सूबे में आई बाढ़ का प्रकोप कम जरूर हुआ है, पर बाढ़ से हुए नुकसान का असर अब सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पटना जिले में 23 प्रखंडों के 91 पंचायत और 405 वार्ड बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से जिले के 91,124 परिवार पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित जनसंख्या 3,48,932 है। पटना में 3,322 गरीबों की झोपड़ियां और 2,049 गरीबों के कच्चे घर बाढ़ में बह गए। वहीं पटना जिला प्रशासन के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 23,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें भी गंगा, सोन और उसकी सहायक नदियों ने बर्बाद कर दिया है। वहीं इसके प्रकोप से सड़कों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन का कहना है कि आपदा के दौरान लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने माने जदयू के कमजोर होने की बात। विपक्ष की तरह से लगातार यह दलीलें दी जा रही हैं कि जदयू पहले की भांति कमजोर हो गई है। हालांकि अब तक जदयू की तरफ से इस बात को लेकर कोई रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन बीते दिन जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात का कबूलनामा कर लिया है कि जदयू पहले के मुकाबले कमजोर हो गई है। सहरसा पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही और इसके तहत उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हम कमजोर हुए हैं, इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बात को स्वीकार करेंगे तो ये बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम कमजोर हुए, उसके कई कारण थे, उन कारणों की समीक्षा पार्टी के अंदर हो गई है। इसे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। जो कमी रह गई है उसे दूर करने की दिशा में हमारी पार्टी अग्रसर है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों के दौरे पर है। RJD ऑफिस दिखेगा अपने नए लुक में। पटना स्थित राजद कार्यालय को नए नवेले रूप देने की कवायद की जा रही है और उसकी देखरेख खुद नेता प्रतिपक्ष व राजद विधायक तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी सुप्रीमो लालू यादव के पटना आगमन से पूर्व राजद प्रदेश कार्यालय को चमका दिया जाएगा। हालांकि आपको बताते चले कि RJD ने सरकार से अतिरिक्त जमीन की मांग की थी, जो कि उन्हें नहीं मिल सकी, लेकिन अब जितनी भी जमीन है उसी में कार्यालय को नए ढंग से संवारा जा रहा है। राजद कार्यालय में नई सीलिंग लाइट्स लगाई गई है, साथ ही साथ कार्यालय में अधिक से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है। बीते दिन ही तेजस्वी यादव ने विभिन्न चैम्बरों का निरीक्षण किया और जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए। जदयू नेता आई विजिलेंस टीम के निशाने पर। छपरा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें सत्तापक्ष जदयू के नेता पर आए हैं, जहां जदयू नेता कामेश्वर सिंह के पेट्रोल पंप पर विजिलेंस की टीम अचानक कार्रवाई के लिए पहुंच गई। इस छापेमारी के मामले में जदयू नेता कामेश्वर सिंह ने सीधे तौर पर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। यह पूरा प्रकरण दरअसल 6 सितंबर का बताया जा रहा है, जब कामेश्वर सिंह की स्कॉर्पियो चोरी हो गई थी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए गई थी। जदयू नेता की गाड़ी को बीजेपी के सांसद नारदन सिंह सिग्रीवाल के बेटे ने मंगाई थी। शहनवाज ने 2025 तक नीतीश कुमार को बताया बिहार का CM। बिहार की सियासत में इन दिनों भाजपा जदयू नेताओं के बीच कई मुद्दों पर मेल मिलाप बनते नहीं दिखते हैं, मगर इस NDA गठबंधन की सरकार में किसी भी तरह की टूट की खबर को भाजपा जदयू के नेता गन साफ खारिज करते आए हैं। इस बीच अब भाजपा कोटे के मंत्री शहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि साल 2025 तक नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। इस बयान से जाहिर हो गया है कि भाजपा जदयू आने वाले समय में भी एक दूसरे का हाथ थामे रहने वाले हैं। वहीं शाहनवाज हुसैन ने चिराग पासवान पर भी बयान देते हुए कहा कि वे NDA का हिस्सा हैं और वे लोजपा के सांसद हैं।
आईपीएल के दूसरे फेज में सख्त रहेगा बायो बबल। आईपीएल 14 सीजन का पहला फेज कोरोना के कारण स्थगित करना पड़ा था, वहीं अब दूसरे फेज की शुरुआत 19 सितंबर से होने वाली है, जिसके लिए कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही पुख्ता सुरक्षा वाला बायो बबल तैयार किया गया है। दूसरे फेज में कम मैच होने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट होंगे। खिलाड़ियों के यूएई पहुंचने से पहले दुबई और अबुधाबी के 14 होटलों के करीब 750 से ज्यादा स्टाफ का टेस्ट हुआ। नए कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का हर तीसरे दिन टेस्ट होगा, जिसके तहत टूर्नामेंट के दौरान 30,000 कोरोना टेस्ट होंगे। इसके अलावा सुरक्षित बायो बबल के लिए नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ को लीग के खत्म होने तक उन्हें 14 होटलों में ठहराया गया है जहां खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। दूसरे दिन भी सोनू सूद पर आईटी की रेड हुई जारी। कोरोना काल में मसीहा बनकर उभरे सोनू सूद के संपत्तियों को खंगालने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई जारी है। बीते दिन बुधवार की शाम से लेकर गुरुवार की सुबह तक में आईटी की टीमों ने लगातार 20 घंटे तक अकाउंट बुक्स, इनकम खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अभिनेता के घर पर मौजूद उनके परिवार और स्टाफ के लोगों से भी पूछताछ की है। बताते चले कि कोरोना काल में सोनू सूद ने हजारों लोगों की मदद की। इनका एक एनजीओ भी चल रहा है जिसका नाम सूद चैरिटी फाउंडेशन है। यह एनजीओ हेल्थ केयर, एजुकेशन, नौकरी और तकनीकी एडवांसमेंट पर काम करता है। आईटी अधिकारियों की जांच यहां भी चल रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग एक रियल एस्टेट सौदे की जांच कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार अवैध बालू खनन को रोकने को लेकर सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।